आज के समय में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। ऐसा बहुत सारा काम है कि मोबाइल फोन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलता है, जो सार निकलता है, वो कितना परसेंट तक सेफ है और हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? और आपके मोबाइल से कितना परसेंट रेडिएशन निकल रहा है, ये भी मैं आपको चेक करना बताऊंगा। और साथ में रेडिएशन से कैसे आप बचेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल फोन का जो रेडिएशन निकलता है, उसका लेवल कैसे मापा जाता है? तो इसके लिए सार वैल्यू के हिसाब से तय किया जाता है कि आपके मोबाइल फोन से रेडिएशन कितना निकल रहा है। SAR इसका मतलब होता है स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट। इसका मतलब होता है कि जब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे फोन कॉल पर ही बात कर रहे होते हैं, तो आपका बॉडी टिश्यू है वो कितना रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है, ये पता किया जाता है। और रेडिएशन को नापने के लिए ह्यूमन बॉडी के वेट के हिसाब से नापा जाता है, पर 1 kg फॉर वेट। तो सार वैल्यू जो है ह्यूमन बॉडी के वेट के हिसाब से मापा जाता है। अब ये समझते हैं कि सार वैल्यू कैसे पता करेंगे। नॉर्मली जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं, तो स्मार्टफोन के डब्बा पर लिखा हुआ रहता है कि कितना परसेंट आपके मोबाइल फोन में सार वैल्यू होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, कोई भी स्मार्टफोन जब खरीदते हैं तो उसके डब्बे पे लिखा हुआ रहता है। बहुत सारे स्मार्टफोन के पीछे में जो स्टिकर लगा हुआ रहता है, उसमें भी लिखा हुआ रहता है। अब चलिए ये भी समझते हैं कि जब आपके पास वो डब्बा या फिर स्टिकर भी आपके मोबाइल फोन में नहीं सटा हुआ है, तो आप कैसे पता करेंगे। इसके लिए सिंपली आप अपने मोबाइल फोन के डायल पैड में जाएंगे, वहां पर टाइप करेंगे *#07#, तो आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन से कितना परसेंट रेडिएशन निकल रहा है और मैक्सिमम कितना परसेंट रेडिएशन होना चाहिए। तो नॉर्मली इंडिया में जो है गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया गया है 1.6 वाट पर kg। अगर इससे ज्यादा होता है तो आपको मोबाइल फोन को बदल लेना ही ज्यादा बेटर होगा। और अगर 1.6 से कम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल फोन बिल्कुल सेफ है और आप भी सेफ हैं। अब बहुत सारे मोबाइल फोन में आप देखेंगे अलग अलग तरीका से दिखाया हुआ रहता है। कई सारे स्मार्टफोन में जब आप *#07# डायल करेंगे, तो वहां पर सिर्फ मैक्सिमम कितना रेडिएशन होना चाहिए और कितना रेडिएशन आपके मोबाइल से अभी निकल रहा है, यही बताएगा। और बहुत सारे मोबाइल फोन में पूरा का पूरा एकदम उसमें अच्छे तरह से समझाया हुआ रहता है। अब बात करते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन को कैसे अपने से दूर रखेंगे और रेडिएशन कम से कम आपके स्मार्टफोन तक पहुंचे। इसके लिए आप वायर हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। वायर हेडफोन आपके बॉडी से काफी दूर रहता है और खास करके यहाँ से तो काफी दूर रहता है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा सेफ रखता है वायर हेडफोन। ये मत समझ लीजिएगा कि ब्लूटूथ हेडफोन जो होता है वायरलेस, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास रेडिएशन नहीं पहुंचेगा। जो ब्लूटूथ हेडफोन होता है वो भी रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी संस्था की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी वार्निंग नहीं जारी किया गया है, पर अपना सेफ्टी के लिए आप वायर हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सबसे ज्यादा रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है जब आप फोन कॉल पर बात कर रहे होते हैं तब, तो कोशिश कीजिएगा आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वायर हेडफोन का इस्तेमाल करें। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलता है वो कितना परसेंट तक हमारे लिए सेफ है और कितना परसेंट कम होना चाहिए जिससे भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको फायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आया कृपया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है आपका नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।